हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर से एजुकेशन पॉइंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कलर टेलीविज़न हम लोग कलर टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे तो कलर टेलीविज़न में कॉम्पेटिविलिटी पढ़ना है कॉम्पेटिविलिटी क्या होता है देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर में कैसा टेलीविज़न है कलर टेलीविज़न ट्रांसमीटर है ये क्या करेगा सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा एंटीना के थ्रू यहाँ पे जो रिसीवर है वो मोनोक्रोम टीवी रिसीवर है मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है ब्लैक एंड वाइट तो जो ट्रांसमीटर जो है वो कलर टेलीविज़न है कलर टेलीविजन ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीव जो कर रहा है वो मोनोक्रोम है ब्लैक एंड वाइट सिग्नल है तो ये एंटीना रिसीव करके यहाँ पर आएगा मोनोक्रोम टी रिसीवर के पास और फाइनली जो आउटपुट देगा वो कैसा होगा ब्लैक एंड वाइट मतलब यहाँ पे आप ट्रांसमीटर में कलर टेलीविज़न यूज़ किए हैं रिसीवर में आप मोनोक्रोम यूज किए हैं फिर भी आपको ब्लैक एंड वाइट सिग्नल मिल जा रहा है मीन्स कॉम्पैटिबल है दोनों एक दूसरे के लिए कलर टेलीविज़न और कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों क्या है एक दूसरे से कॉम्पेटिबल है कर रहा है कम्पेटिबलिटी क्या कर रहा है द एबिलिटी ऑफ मोनोक्रोम टी वी रिसीवर टू प्रोड्यूस ए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर फ्रॉम द कलर टेलीविज़न कलर टेलीविज़न ऑन सिग्नल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ द रिसीवर सर्किट कम्पेटिवलिटी क्या होता है मोनोक्रोम टीवी रिसीवर का एबिलिटी होता है जो क्या करता है प्रोड्यूस करता है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर फ्रॉम कलर टेलीविजन से कलर टेलीविजन से ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी मोडिफिकेशन ऑफ द रिसीवर सर्किट रिसीवर सर्किट में कोई भी मोडिफिकेशन नहीं किया जाता है इसी को कम्पैटिविलिटी बोलते हैं आपका जो है कलर टेलीविज़न ट्रांसमीटर है और रिसीवर में मोनोक्रोम है फिर भी क्या है एक दूसरे के लिए कंपेटिबल है आउटपुट मिलता है रिवर्स कंपेटिबिलिटी क्या होता है रिवर्स कंप्लेट कंपेटिबिलिटी जस्ट अपोजिट है कंपेटिबिलिटी का यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रांसमीटर में मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर है और रिसीवर में कलर टेलीविजन रिसीवर है क्योंकि ये मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर है तो ये सिग्नल तो मोनोक्रोम ही ये रिसीव करेग, करेगा ट्रांसमिट करेगा यहाँ पे कलर टेलीविज़न रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा सिग्नल को और प्रोड्यूस करेगा ब्लैक एंड वाइट मीन्स आपका ट्रांसमीटर किसी भी तरह का हो आइदर मोनोक्रोम हो या कलर टेलीविज़न ट्रांसमीटर हो दोनों के लिए क्या है ये कम्फर्टेबल होता है तो देखिए रिवर्स कम्पलेट कॉम रिवर्स कम्पेटिबिलिटी क्या कहता है द एबिलिटी ऑफ ए कलर टी वी रिसीवर टू प्रोड्यूस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर फ्रॉम द नॉर्मल मोनोक्रोम सिग्नल विदाउट एनी मोडिफिकेशन इन द रिसीवर सर्किट कर कलर टेलीविजन रिसीवर का वो एबिलिटी जो क्या करता है प्रोड्यूस करता है ब्लैक एंड वाइट सिग्नल को फ्रॉम कहाँ से फ्रॉम मोनोक्रोम सिग्नल मोनोक्रोम जो सिग्नल है मोनोक्रोम ट्रांसमीटर है यहीं से सिग्नल ट्रांसमिट होगा विदाउट एनी मोडिफिकेशन इन द रिसीवर सर्किट रिसीवर सर्किट में कोई भी मोडिफिकेशन किए बिना ये क्या करता है ब्लैक एंड वाइट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है मीन्स ये क्या है कलर टेलीविज़न जो है ब्लैक एंड वाइट के साथ भी कॉम्पेटिबल है और ब्लैक एंड वाइट जो है ट्रांसमीटर कलर टीवी ट्रांसमीटर वो कलर के साथ भी कम्पेटिबल है मींस एक दूसरे के साथ कॉम्पेटिबल है कॉम्पेटिविलिटी में क्या होगा जो आपका मोनोक्रोम रिसीवर होगा वो ब्लैक एंड वाइट सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा कहाँ से कलर टेलीविज़न ट्रांसमीटर से वही रिवर्स कॉम्पेटिविलिटी में क्या है कलर टेलीविज़न रिसीवर जो है ब्लैक एंड वाइट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है कहाँ से मोनोक्रोम टीवी ट्रांसमीटर से तो ये आपका रिवर्स कंपेटिबिलिटी है और ये कंपेटिबिलिटी है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच